दिस इज द एनसीईआरटी क्वेश्चन, इसको लिख लेना। इसमें एक दो पॉइंट और भी आपको एक्स्ट्रा बताऊंगी। जो मैं एक पॉइंट लिखवाऊंगी ना, वो जब आप अपने नोट्स कॉपी पे लिखोगे तो उसमें लिख लेना। क्वेश्चन है, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो द फर्स्ट पार्ट इज, फोर पार्ट्स हैं, पहले मैं चारों लिख देती हूँ, फिर वन बाय वन सॉल्व करेंगे। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 विद सिल्वर इलेक्ट्रोड्स। सेकेंड, बेटा NaCl छुंदी है, बेसिकली क्लोरीन ते ऑक्सीजन दी है, क्लोरीन ते ऑक्सीजन जिथे भी आएगी उथे एक्सेप्शन लगेगी। ठीक है, NaCl च क्यों आ रही सी, क्योंकि क्लोरीन ते ऑक्सीजन दी प्रॉब्लम सी। ऐसे तो और केसेस में भी होती है, बट हमारे सिलेबस में क्लोरीन ऑक्सीजन का ही केस है। ये फोर पार्ट्स हैं, तुम क्वेश्चन समझ गए क्या? मैं लास्ट पार्ट से स्टार्ट कराऊंगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि हमको इलेक्ट्रोलिसिस करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्न, अलग अलग हर एक का इलेक्ट्रोलिसिस किया गया है, इलेक्ट्रोलाइट बताया और इलेक्ट्रोड बताए कौन से यूज कर रहे हैं, और हमको प्रोडक्ट बताने हैं। प्रोडक्ट मीन्स हमको ये बताना है कि कैथोड पे क्या बनेगा, एनोड पे क्या बनेगा। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट से मैं स्टार्ट करूँगी। क्या है, हमारे पास एक्वा सॉल्यूशन है, वाटर में बनाया गया है, क्यूप्रिक क्लोराइड का एंड प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड्स हैं। सो सिचुएशन तुमको इमेजिन करा देती हूँ, क्या सिचुएशन है जो हमेशा करते हैं। तो अच्छा, एक बात ध्यान रखना, प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो इनर्ट होते हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हैं, वो सिर्फ सरफेस प्रोवाइड करते हैं, नथिंग एल्स। अब यहाँ पे एक्वा सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रिक क्लोराइड है, तो हमारे पास कौन कौन से आयंस होंगे बता सकते हो तुम? हाँ, हाइड्रोजन का आयन, कॉपर का आयन, क्लोराइड आयन। क्यूप्रिक का आयन, क्लोराइड का आयन और वाटर प्रेजेंट होगा, है ना। वाटर बेसिकली एच प्लस और ओ एच नेगेटिव देता है, बट हमें पता है कि डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट हम वाटर का ही पोटेंशियल लेते हैं। वाटर रिडक्शन भी दिखा सकते हैं, ऑक्सीडेशन भी। एंड इलेक्ट्रोड्स आर इनर्ट, दे विल नॉट पार्टिसिपेट। अक्षित बेटा, पीयूष, तुम लोग टाइम पे आया करो, आगे से मैं मीटिंग लॉक कर दूंगी। सभी लोगों ने बड़ा आराम से लेट ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया। इट्स 7:08, मैं एग्जैक्टली 7 o'clock स्टार्ट कर देती हूँ, एक्सेप्शन छोड़ के। तो मैक्सिमम 7:02 7:03 तक सभी लोग आ जाने चाहिए, उसके बाद कल से मैं अलाउ नहीं करूँगी। अब देखो कैथोड पे, पहले कैथोड पे देखते हैं कि क्या क्या है, ऑप्शंस है। कैथोड पे हमें पता है कि कौन जाता है, केटायन जाते हैं और रिडक्शन होती है। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है, क्यूप्रिक आयन की रिडक्शन हो, एक तो ये ऑप्शन है।
इसकी रिडक्शन पोटेंशियल एनसीईआरटी ने दे नहीं रखी, मैंने बताया था वो एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम लोग चार्ट से चेक करो, अदरवाइज दी होगी पेपर में। बट यहाँ पे और भी कोई ऑप्शन है या बस क्यूपरी की ही है, बताओ? हाइड्रोजन वाला, हाइड्रोजन वो हम देखते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर है। कल तुमको लिखवाई थी कि वाटर की रिडक्शन पोटेंशियल क्या होती है, 0.8 माइनस, साइन जरूर याद रखना। अब ये दो ऑप्शंस हैं, कौन विन कर जाएगा दोनों में से? जिसकी जो वैल्यू ज्यादा है वो भाग रहे हैं फटाफट कैथोड की तरफ, तो नेचुरली इसकी रिडक्शन होने की वैल्यू ज्यादा है। ज्यादा वैल्यू का मतलब क्या है कि इसकी टेंडेंसी ज्यादा है रिड्यूस होने की, तो ये चला जाएगा, तो ये रिएक्शन विन करेगा, ये नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि कैथोड पे हमारे पास कॉपर विल बी द प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट कॉपर इज डिपॉजिटेड एट कैथोड, ये तो पता लग गया। अब हम देखते हैं एनोड में क्या सिचुएशन बन रही है, एनोड में क्या क्या ऑप्शंस हैं? बताओ। क्लोराइड आयन, हाइड्रोक्साइड, क्लोराइड आयन। एनोड पे होता क्या है पीयूष? ऑक्सीडेशन क्या, रिडक्शन? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। तो इसका पोटेंशियल लिखवाया था कल भी चार्ट से, देख लेना, ऑक्सीडेशन वाली वैल्यू ही लिख रही हूँ अब मैं। दूसरी ऑप्शन वाटर की है, OH नेगेटिव आयन इन द फॉर्म ऑफ वाटर, क्या थी वैल्यू? बेटा साइंस में ध्यान रखना, ठीक है? अब चार्ट में वो कंफ्यूज करने के लिए तुमको क्या देंगे, Cl की रिडक्शन पोटेंशियल पकड़ा देंगे, प्लस होगी वो। बट क्योंकि हम एनोड की बात कर रहे हैं और हमको ये देखना है कि कौन विन कर रहा है, तो कौन विन करेगा, जो पहले ऑक्सीडाइज होना चाहता है। अब देखो वैल्यू तो देख के लगता है कि किसको विन होना चाहिए, हाइड्रोजन को, हाइड्रोक्साइड को, हाइड्रोक्साइड को, मतलब क्या लिबरेट होनी चाहिए, ऑक्सीजन। बट हमने कल ही किया था कि ओवर पोटेंशियल के कारण कौन विन कर जाता है, क्लोरीन। जब भी क्लोरीन, और ध्यान से सुनो याद रखना, जब भी क्लोरीन और ऑक्सीजन की कहानी होगी तो हमेशा यही होगा कि ऑक्सीजन लगेगा कि रिलीज होनी चाहिए, क्योंकि वाटर की रिडक्शन पोटेंशियल, सॉरी वाटर की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्लोराइड आयन से ज़्यादा होती है। बट ओवर पोटेंशियल जो है वो क्लोरीन की कम होती है, जिसके कारण वो कम रेजिस्टेंस मतलब शो करती है टू द चार्ज, तो क्लोरीन को लिबरेट होना आसान है। तो प्रोडक्ट क्या आएगा, क्लोरीन निकलेगी एनोड पे। समझ में आ गया आपको प्रोडक्ट इस केस में? यस मैम। पिया? यस मैम। पेपर में ऐसे लिख के आना है, ये क्वेश्चन भी पक्का आते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के, वो प्रोडक्ट कोई ना कोई आपको देख के। मैंने आपको इसीलिए एक ऐसा टूल आपके हाथ में दे दिया, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी, जिससे आप किसी का भी पता लगा सकते हो कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे बनेगा। अब दूसरा पार्ट पे चलते हैं, फोर्थ करा दिया मैंने। थर्ड, डिल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये इलेक्ट्रोलाइट है विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के कारण H प्लस आयन होंगे और सल्फेट आयन होंगे, बाकी वाटर है, वाटर के कारण भी H प्लस और OH आयन्स हैं, पता है, बट वो वाटर के फॉर्म में देखते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो वाटर की तो अमाउंट बहुत कम होगी। कम होगी क्या, ज्यादा होगी? सॉरी, ज्यादा होगी। हाँ, अब एक पॉइंट यहाँ पे लिखो ध्यान से, ये अपने नोट्स में एड कर लेना, सल्फेट नाइट्रेट एंड फॉस्फेट आयंस जनरली डू नॉट
get oxidized in their ऐसे लिखो do not get oxidized when their aqueous solution is present because their oxidation potential is low. ये बात है, क्या कह रहा है, कहता है जब भी सल्फेट होगा, नाइट्रेट होगा या फॉस्फेट आयन्स होंगे ना, ये एनायन है, तो एनायन को जाना कहाँ पे चाहिए, एनोड पे. एनोड पे क्या करते होते हैं, जाके ऑक्सीडाइज होते हैं. तो वो कहता है ऑक्सीडाइज होते नहीं जब भी वो वाटर में प्रेजेंट होते हैं. क्यों? उनकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू वाटर या कह लो हाइड्रोक्साइड आयन्स के कंपेरेटिवली. अब ये चीज़ को मैं यहाँ पे अप्लाई करके बताती हूँ. अब तुम देखो कैथोड पे क्या क्या पॉसिबिलिटी है केटायन जाना है. सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑल्सो गिविंग एच प्लस, वाटर भी एच प्लस ही देता है. तो कैथोड पे तो कंपटीशन है ही नहीं कोई. समझ आई है बात? यस मैम. दोनों ही सेम आयन दे रहे हैं ना बेटा. कैथोड पे जो तुम्हारा मेन इलेक्ट्रोलाइट है सल्फ्यूरिक एसिड, वो भी एच प्लस दे रहा है, वाटर भी एच प्लस ही देगा, तो कंपटीशन है नहीं. वो केटायन एच प्लस है, इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन लिबरेट कर देगा. इदा मतलब की है, इट मीन्स कि जो प्रोडक्ट है हाइड्रोजन एट कैथोड है. अब एनोड पे किस किस में कंपटीशन है बताना. सल्फेट और हाइड्रोक्साइड. सल्फेट और हाइड्रोक्साइड है ना, हाइड्रोक्साइड या वाटर कह लो. अब मैंने इस पॉइंट में तुमको क्या लिखा है कि जब भी सल्फेट वाटर के साथ प्रेजेंट है तो वो ऑक्सीडाइज नहीं होता. सल्फेट वाटर के साथ ऑक्सीडाइज नहीं होता क्योंकि हाइड्रोक्साइड के कंपैरेटिवली उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लो है. तो कौन ऑक्सीडाइज हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन या मैं कह लूँ वाटर. इसका रिएक्शन तुमको बहुत अच्छे से आता है. क्या देता होता है ये, ऑक्सीजन. इसका मतलब एनोड पे क्या लिबरेट होगा. इज द पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू. प्लीज रिप्लाई क्विकली. यस मैम. यस मैम. अगला पार्ट देखो, खुद से करने की ट्राई करो. दो कर लिया अपन ने. एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट. एनोड वाला मैं रिपीट कर देती हूँ जशन. बेटा देख सिंपल है, पहला मैंने ये दस जशन एनोड ते केड़े आयन जाते होंगे. एनोड पे कौन जाता होता है जशन, एनायन जाते हैं. इस केस में क्या क्या तुम्हारे पास पॉसिबिलिटीज हैं. एनायन कौन से हैं, एक तो सल्फेट है. क्यों है सल्फेट, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड ले रखा है, वो सल्फेट आयन देता है. बाकी वाटर क्या देता है, हाइड्रोक्साइड आयन. अब इन दोनों में कंपटीशन है, बट हमको ये पॉइंट याद रखना है कि जब भी सल्फेट आयन या नाइट्रेट आयन या फॉस्फेट आयन वाटर की प्रेजेंस में होते हैं तो ये एनोड पे नहीं जा पाते क्योंकि वाटर के कंपेरेटिवली इनको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल काफ़ी कम होता है. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होने का मतलब क्या है, दे डोंट हैव द टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन एज कम्पेयर टू हाइड्रोक्साइड आयन्स. ठीक, समझ में आई बात. तो ये जाएंगे नहीं, तो बचा कौन, हाइड्रोक्साइड आयन या वाटर कह लो, वो जाके ऑक्सीडाइज हो जाता है. तो वाटर जब भी ऑक्सीडाइज होता है क्या लिबरेट करता है, ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन एनोड पे निकलेगा, यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन. अब समझ में आ गई बात. ओके चलो अपना दिमाग लगाओ और थर्ड वाला करते हैं. AgNO3 है, एक्वस सॉल्यूशन है. ये भी ध्यान देना. मतलब में Ag की रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, इतनी होती है. चलो करो फटाफट, देखती हूँ कौन सही बताता. एनोड का थोड़े पे प्रोडक्ट बताओ. हम कर लिया सॉल्व. ओके गुड. बाकियों ने भी कर लिया.
चल जशन बता मुझे क्या बना है, चैट में लिख के बताओ। यस वेरी गुड। बाकी लोग मान्या तू बता दे अब। निखलेश अक्षित मैंने दोनों बता दिए चैट में बता दिए। दोनों दस से हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। बाकी कोई प्रेजेंट नहीं है क्या क्लास में? सोना नहीं है भाई? बड़ा सिंपल है AgNO3। देखो एक्को सॉल्यूशन है तो AgNO3 केड़े केड़े आयन देगा, सिल्वर दा आयन ते नाइट्रेट दा आयन, बाकी वाटर है। लिखना है लिख लिया करो, नहीं तो तुहानू पता ही है हुण इन्हां दोनों च कॉम्पीटिशन है। ठीक है इन्हां दोनों च कर लो या फिर दोबारा लिख के बता देती हूँ। इसकी पोटेंशियल मैंने अभी बताई, डिडक्शन इतनी है। वाटर की अब तक मैं उम्मीद करती हूँ तुम लोगों को याद हो जानी चाहिए, मेरी उम्मीद मत तोड़ना, याद कर लेना। माइनस 0.83 तो नेचुरली सिल्वर विन करेगा, सिल्वर आयन विन करके तो कैथोड पे सिल्वर डिपॉजिट होगा, एनोड पे हमने अभी लिखा नाइट्रेट तो जाएगा ही नहीं वाटर के साथ, तो वाटर जाके ऑक्सीडाइज होके, पता ही है वाटर जब भी ऑक्सीडाइज होता है ऑक्सीजन लिबरेट करता है, तो एनोड पे ऑक्सीजन कैथोड पे सिल्वर, दैट्स इट। समझे तुम लोग? अब लास्ट बचा है ये, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट इसीलिए है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोड बदल दिए। वी नो दैट द डिस्चार्ज ऑफ आयन, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी दो फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। एक तो थी पोटेंशियल जो मेन फैक्टर है, दूसरा एक पोटेंशियल के अलावा एक और फैक्टर था, याद है कौन सा फैक्टर था? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। जैसे हमने कल किया था कि NaCl के केस में ही मरकरी का कैथोड बना दें तो वहां पे सोडियम भाग जाता है, समझ में आई बात? तो यहाँ पे इसने इलेक्ट्रोड का नेचर इनर्ट नहीं रखा, रादर इलेक्ट्रोड एक्टिव है, वो भी पार्टिसिपेट करने की कैपेसिटी रखते हैं। देखते हैं आप वो क्या प्रॉब्लम करते हैं या क्या चेंज आती है। लेट्स हैव अ लुक। कुछ भी मुश्किल नहीं है बेटा, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है देखो, बट बात वही है सिलेबस थोड़ा ज्यादा जरूर होता है प्लस वन प्लस टू में, बट वो ज्यादा मेन टीचर की हेडेक है। आपको बस पढ़ना है, जो रोज करा दिया वो आ जाए आपका खाली काम, इतना। डाउट जितनी मर्जी बार पूछो उसमें कुछ नहीं है, बट उसको रिप्रोड्यूस भी करो। अब ये जो इलेक्ट्रोड है वो सिल्वर के हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो वही है Ag के आयन्स है, नाइट्रेट के आयन है और वाटर है, वाटर के अपने आयन्स है, समझे बात? तो अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोड ये दोनों सिल्वर के हैं, कैथोड भी सिल्वर के, एनोड का एनोड भी सिल्वर के, उससे क्या होगा देखते हैं। अब कैथोड पे पहले देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। एक तो पॉसिबिलिटी है सिल्वर जाके रिड्यूस हो जाए, इसकी पोटेंशियल क्या होती है 0.8, और पॉसिबिलिटी वही वाटर की रहती है, वाटर जब भी रिड्यूस होता है हाइड्रोजन निकालता है, इसकी है -0.83। ठीक है अब मैं तुमको अभी मैं बता नहीं रही, पहले मैं एनोड का मामला बता दूं। एनोड पे एक तो नाइट्रेट है, एक वाटर है, बट एक चीज और भी है, सिल्वर का इलेक्ट्रोड खुद भी है। ये क्या बोल रहे हैं मैं बताती हूँ। एनोड पे बेटा क्या होना होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होनी है। पहले तो इलेक्ट्रोड इनर्ट थी, प्लैटिनम का होता या ग्रेफाइट का होता तो उसने कुछ नहीं करना था, बट अब इलेक्ट्रोड भी पार्टिसिपेट करने को तैयार बैठी है, उसकी भी पॉसिबिलिटी गिननी पड़ती है। अब अगला क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के दिमाग में आएगा कि मैम ने फिर यहाँ पे क्यों नहीं बोला कि एनोड यहाँ पे कैथोड भी तो सिल्वर का था तो वो भी पार्टिसिपेट करता। वो करता बेटा बिल्कुल ठीक है, उसकी भी पॉसिबिलिटी थी, बट वो तो ऑलरेडी पॉसिबिलिटी सिल्वर के आयंस की फॉर्म में इंक्लूडेड हो गई ना, समझ रहे मेरी बात? सिल्वर के आयंस जाके रिड्यूस हो जाएं, वो पॉसिबिलिटी तो ऑलरेडी बीच में इंक्लूडेड है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये चीज़ बोली नहीं कि सिल्वर की जो कैथोड बन के सिल्वर बैठा है वो पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा, बट एनोड के केस में तुमको सिल्वर के इलेक्ट्रोड की पॉसिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी। ये बात समझे? यस मैम।
कैथोड पे अब इन दोनों में ही है, इन दोनों में तो कौन विन करेगा, दिख ही रहा है सीधा। सिल्वर आयंस भाग के इलेक्ट्रॉन गेन करके, सिल्वर की रॉड थी ऊपर, सिल्वर ही और चढ़ने लग जाएगा, मोटी होने लग जाएगी रॉड। तो प्रोडक्ट क्या बना, प्रोडक्ट लिखोगे तुम सिल्वर एट कैथोड। अब एनोड पे आते हैं, नाइट्रेट का तो है ही नहीं सीन, क्योंकि नाइट्रेट वाटर की प्रेजेंस में तो होता ही नहीं ऑक्सीडाइज। क्वेश्चन रह गया वाटर और सिल्वर का, सिल्वर की रॉड थी, होना क्या था ऑक्सीडेशन, देखते हैं। अब सिल्वर की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बेटा कितनी होगी, रिडक्शन पोटेंशियल प्लस, इतनी हो जाएगी, समझे ये बात। सिल्वर जो बनके रॉड बनके सिल्वर एनोड बनके बैठा है, यदि वो ऑक्सीडाइज खुद को ऑक्सीडाइज कर ले, वो इलेक्ट्रॉन निकालने लग जाए, तो उसकी टेंडेंसी -0.8 है। वाटर भी है कंपटीशन में, वाटर की ऑक्सीडाइज होने की पोटेंशियल और भी कम है, सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू थी -1.23। कंपटीशन अब इन दोनों में, नाइट्रेट तो पहले ही कंपटीशन से बाहर हो गए जब वाटर आ गया। अब देखो वाटर की भी बहुत कम है ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी, -0.1.23 है, उससे ज्यादा तो सिल्वर की ही लेके बैठे हैं -0.8। तो होगा क्या, एनोड पे सिल्वर की रॉड ही सिल्वर के आयंस बनाने लग जाएगी और इलेक्ट्रॉन पैदा करने लग जाएगी। तो एनोड पे क्या होगा, सिल्वर स्टार्ट यू कैन से गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। समझ रहे हो मेरी बात, तो बेसिकली सिल्वर ये रॉड पतली होती जाएगी और ये रॉड मोटी होती जाएगी, एक तरह से तुम ये बोल सकते हो कि सिल्वर यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रहा है। ये प्रिंसिपल यूज किया जाता है इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, विच वी विल स्टडी इन चैप्टर 6। इट इज बेसिकली एन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इम्प्योर मेटल जैसे निकलते हैं ना अर्थ से, जैसे जब हम अर्थ से मेटल्स निकालते हैं वो इम्प्योर होते हैं, तो उनको प्योरीफाई करने का एक मेथड होता है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। तो वो इम्प्योर का, जैसे इम्प्योर सिल्वर का एनोड बना दें, तो यहाँ से सिल्वर प्योरीफाई होके यहाँ डिपॉजिट होता जाएगा। तो कैथोड पे सिल्वर डिपॉजिट होगा और एनोड पे सिल्वर की ऑक्सीडेशन होने लग जाएगी, बस यही है इसका मामला। अब तुम देखो कितना फर्क आ गया इलेक्ट्रोड बदलने से, इन दोनों में AgNO3 है, बट जमीन आसमान का फर्क है प्रोडक्ट्स में। क्यों, क्योंकि रॉड चेंज हो गए। पहले के जब हमने पहला ये सेकंड केस किया था, इसमें नॉट इलेक्ट्रोड थे, अब वाले इलेक्ट्रोड एक्टिव इलेक्ट्रोड है। एनी डाउट्स टू एनीवन, इट्स इम्पॉर्टेंट केस, ऑल द 4 पार्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने तभी डिस्कस किया है कि चलो एक बार तुम्हारा गो थ्रू हो जाएगा प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी, प्रैक्टिकली क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करनी है तुमको आ जाए। हाँ जी, चले आगे बेटा, बोलने का कष्ट किया करो। यस मैम, हो गया। यस मैम, आप सोचते हो मैम ही बोलते रहे है ना, हम क्यों अपना गला दिखाएं, ऐसा क्या कर रहे थे आप, कल करोजन रह गया था ना, वो कर ले एक मिनट, लेट मी शेयर द नोट्स। अभी क्या दिख रहा है, व्हाइट बोर्ड। अच्छा, चैप्टर का दी एंड हो जाएगा आज, करोजन वाला हम कर रहे थे। तो इसमें हमने फर्स्ट बेस डिस्कस कर लिया था कि आयरन की हमने करोजन पढ़नी है, जिसको टिपिकल टेक्निकल नेम रस्टिंग का देते हैं आयरन के केस में। और रस्ट केमिकली क्या होता है भाई, देखा तुमने जब कोई चीज को रस्टिंग हो जाती है, वो ब्राउन ब्राउन सी उसकी लेयर से निकलने लगती है, ऑब्जर्व किया कभी? हाँ, वो ये होता है केमिकली हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। उसकी मैकेनिज्म थी, जैसे कोई ऑब्जेक्ट आयरन का बाहर रख रखा है, धूप हवा पानी सब कुछ लग रहा है, तो क्या होगा, मॉइस्चर हो जाता है। हाँ, मॉइस्चर के कारण और कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व करके कुछ
वो और बनाने लग जाता है, जैसे कार्बन कार्बोनेट्स बना गए, सल्फर होता है तो सल्फेट्स के हाँ तो गैसेस ये वो बनाने लग जाते हैं, इस यस करके दिस उसका कलर चेंज हो जाता है मैम, उसके अपर लेयर का, तो इसके कॉपर के केस में ग्रीनिश हो जाता है, ऐसे चेंज होता रहता है। रस्टिंग की मैकेनिज्म क्या है? रस्टिंग में क्या होता है, आयरन का जैसे ऑब्जेक्ट है, मॉइस्चर जैसे निखिलेश ने बताया, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें डिजोल्व होकर कार्बोनिक एसिड बना देगा। नेचुरल बहुत थोड़े अमाउंट में होते हैं बट दे आर प्रेजेंट, उसके कारण एच प्लस आयन्स की प्रेजेंस हो जाती है। ठीक है, एच प्लस आयन्स और कार्बोनेट आयन्स आ गए। अब आयरन तो बैठा ही है, एच प्लस के कंपेरेटिवली आयरन की ऑक्सीडेशन होना स्टार्ट हो जाएगी, ये रिएक्शन होने लगता है। ठीक है, पोटेंशियल्स के अकॉर्डिंग तुम इसको समझ सकते हो, अब तो टिप्स पे हो गया होगा, पोटेंशियल वगैरह कैसे कंपेयर करना। ऑक्सीडेशन होने लगी, ऑक्सीडेशन से बेचारा आयरन खराब होने लग गया, प्लस टू में बदलने लग गया, और जो इसने इलेक्ट्रॉन दिए वो मेटल के थ्रू किसी दूसरे उसी ऑब्जेक्ट के दूसरे जगह पे जाके क्या करेंगे, ऑक्सीजन को रिड्यूस कर देंगे। ऑक्सीजन कितों आई जी, एयर च ऑक्सीजन हैगी है ना, तो एच प्लस आयंस तो थे ही मॉइस्चर के कारण, एच प्लस आयंस थे तो वो मिलके और वाटर बनाना लग जाएंगे, और रस्टिंग तेज हो जाती है इससे क्योंकि और वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। तो बेसिकली ये एक जगह कैथोडिक साइट बन जाती है, जहाँ पे रिडक्शन हो रही होती है वो कैथोडिक साइट बिहेव करना चालू कर देती है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही होती है उसको हम बोलते हैं वो एनोडिक साइट बिहेव कर रही है, एक तरीके का इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो तुम देख भी सकते हो, ये देखो ये एनोड बिहेव कर रहा है, ठीक है, और ये कैथोड बिहेव कर रहा है। पोटेंशियल जैसे हम निकालते होते थे, ईएमएफ का फॉर्मूला याद है किया था हमने, क्या फॉर्मूला था ईएमएफ का, ई नॉट कैथोड या ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो कैथोड वाला जिसकी ज्यादा है 1.23 माइनस, ये माइनस में क्यों लेते थे, ये फॉर्मूले में आपको एक बात बताई थी, क्या बात बताई थी, कि जब भी वैल्यूज पुट करनी है दे मस्ट बी कौन सी वैल्यूज, रिडक्शन वैल्यूज होनी है। रिडक्शन हाँ तो इसकी नेट ये आ जाता है कई बार कि नेट पोटेंशियल कितनी है, जो एक तो बहुत मतलब वो है ना इसका, एक तरीके का ये रिएक्शन आ सकते हैं पेपर में, या तो देखो पूरी मैकेनिज्म पूछते हैं वो, करोजन की मैकेनिज्म बताओ जी, या बीच में अकेला कुछ ये पूछ सकता है, एक दो नंबर का रस्ट क्या होती है, ऐसा क्वेश्चन इसमें बनता है। मैकेनिज्म का पूछेगा तो 3 नंबर का पूरा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, सारा लिख के दिया हुआ है बेटा, बहुत आसान है ये सारा, तुमको ऑलरेडी आती हैं चीजें। सेल रिएक्शन लिखना भी सिखाया था ना, कैसे लिखते हैं सेल रिएक्शन, लिख सकते हो रिएक्टेंट में रिएक्टेंट ऐड करने हैं, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट, बट एक बात ध्यान में रखनी होती है जब सेल रिएक्शन लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन का नंबर बराबर करना पड़ता है। इधर 4 इलेक्ट्रॉन है, इधर कितने हैं, टू तो पूरी इक्वेशन को आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। देखो वही किया हुआ है, 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, फिर इसने ऐड किया है, देखो 2 से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर दिया, ये सेल रिएक्शन बन गया। आई बात समझ में? उसके बाद यस मैम। लास्ट स्टेप में क्या करते हैं, क्या होता है, जो फेरस आयंस होते हैं, फेरस आयंस बन रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो फेरस को फर्दर फेरिक में ऑक्सीडाइज कर देता है और फेरिक ऑक्साइड बन जाता है जो कि केमिकली रस्ट होती है, बाकी एच प्लस आयंस वगैरह तो बनेंगी, और फेरिक ऑक्साइड बन गया और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन साथ में लेके वो उसको हम बोलते हैं रस्ट हो गई, जो तुम्हारी वो लेयर से निकलती रहती है, और ज्यादा रस्ट की होती रहती है क्योंकि वो स्टिकी नहीं होती है, वो निकल जाती है लेयर, आयरन के केस की बात कर रही हूँ मैं, निकल जाती है, फिर आयरन का फ्रेश सरफेस एक्सपोज हो जाता है, फिर उसको रस्ट लग जाती है, उतरती रहती है, देखा हो तो तुमने कभी, मेरी काफी ऑब्जर्वेशन वैसे करनी चाहिए ऐसी चीजों की, वो फिर सारा ही ऑब्जेक्ट आयरन का अल्टीमेटली खराब हो जाता है, उसको रस्ट लग जाती है। तो ये वही डायग्राम है, एक जगह एनोड एक्ट कर रहा है, दूसरी जगह ये मॉइस्चर का ड्रॉप दिखाया हुआ है एक तरीके से। ठीक है, कर लेना बेटा, इसमें ज्यादा कुछ समझने वाला तो है ही नहीं, इसलिए मैंने तुमको नोट्स दे दिए कि चलो तुम्हारे पास कुछ मटेरियल रहेगा याद करने के लिए। और बाकी ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये तुम देख सकते हो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके कारण करोजन और ज्यादा होता है। रिएक्टिविटी मेटल की, ज्यादा रिएक्टिव मेटल है
तो उसके ऑक्सीडाइज होने के चांसेस ज्यादा है, उसके करूड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एयर मॉइस्चर होएगा, नेचुरली करोजन ज्यादा होएगी। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट वगैरह, जैसे सेलाइन वाटर है मान लो, उसको ज्यादा रस लगेगी क्योंकि सेलाइन वाटर में ऑलरेडी सॉल्ट प्रेजेंट है जो रस्टिंग का रेट बढ़ाएंगे। मेटल में स्ट्रेन, स्ट्रेन मतलब कहीं पे कट वगैरह पड़ गया, बैंड पड़ गया, तो उस पर करोजन और जल्दी हो जाती है क्योंकि वो सरफेस जो है वो जल्दी एक्सपोज हो जाता है एटमोस्फेरिक फैक्टर्स के लिए। तो ये कुछ पैरा फैक्टर्स हैं जिनके कारण करोजन प्रमोट होती है। अब प्रिवेंट कैसे करना है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम, पेंट कर दो जी, गैल्वेनाइजेशन कर दो जी, वही मेथड्स को समझाया। पहला मेथड है बैरियर प्रोटेक्शन, वही है बैरियर लगा दो, पेंट कर दिया, कोटिंग कर दी किसी और मेटल की। इन दिस मेथड अ बैरियर और कोटिंग इज अप्लाई टू प्रिवेंट द सर्फेस ऑफ मेटल फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द एटमोसफियर। ऑयल पेंट, ग्रीस, निकल प्लस, ये प्लस है, निकल प्लस क्रोमियम की प्लेटिंग कर देते हैं। ठीक है, प्लेटिंग समझाई थी ना मैंने, एक क्वेश्चन किया था अपन इलेक्ट्रो प्लेटिंग वाला, तो वैसे ही ये प्लेटिंग कर देते होते हैं, ऊपर परत चढ़ जाती है दूसरे मेटल की, तो जो मेन अपना आयरन का ऑब्जेक्ट होता है वो रस्ट होने से बच जाता है। और मेथड क्या है, ये भी आजकल चलते हैं बेटा, एंटी रस्ट सॉल्यूशन, अल्केलाइन फॉस्फेट्स या अल्केलाइन क्रोमेट, ये एंटी रस्ट सॉल्यूशंस एक्ट करते हैं, ये रस्टिंग को प्रिवेंट करते हैं। अब तीसरा मेथड है सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन। अब सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन क्या है, हमने कर ली अब तक बैरियर प्रोटेक्शन कर ली और एंटी रस्ट सॉल्यूशन। एंटी रस्ट सॉल्यूशन ये नाम याद करना है, अल्केलाइन फॉस्फेट या अल्केलाइन क्रोमेट। सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन में क्या करते हैं, इन दिस मेथड सरफेस ऑफ आयरन इज कोटेड विद मोर एक्टिव मेटल देन आयरन। जैसे जिंक के साथ कोट कर दिया, ये आयरन का था, अब इसके ऊपर जिंक की कोटिंग कर दी, जिंक आयरन से ज्यादा एक्टिव मेटल है, ये सारी जगह कोटिंग होगी। एक्टिव मेटल का मतलब क्या क्या समझते हो तुम, एक्टिव मेटल का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ढंग से क्या मतलब है, उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगी। मेटल का एक्टिव होने का मतलब होता है कि मेटल कितनी जल्दी ऑक्सीडाइज हो रहा है। आयरन की बेटा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.44 वोल्ट है प्लस में, जिंक की 0.76 है, समझ रहे हो, तो किसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है, जिंक की। तो कोटिंग कर देते हैं, तो जिंक पहले एक्सपोज हो जाता है तो वो बचा लेता है आयरन को, मोर ओवर ये एक्टिव भी ज्यादा, समझ गए। इसका एक फायदा और भी है, क्या फायदा, मान लो कहीं से स्क्रैच पड़ गया, स्क्रैच पड़ गया, कोटिंग है, कोटिंग मान लो थोड़ी ब्रेक हो गई, आयरन एक्सपोज हो जाएगा, बट फिर भी साइड्स वाला जिंक पहले ऑक्सीडाइज होगा क्योंकि पूरी कोटिंग थोड़ी ब्रेक हुई है, हल्की सी ब्रेक हो गई, अभी जिंक तो है ना आसपास, तो भी आयरन बच जाता है। क्यों, क्योंकि जिंक की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ही उससे बहुत टाइम ज्यादा है। बट मान लो जिंक की हमने कोटिंग नहीं की, हमने टिन की कोटिंग कर दी, यहाँ पे लिखा होगा टिन भी कोई मेटल होता है, टिन की कोटिंग कर दी, ठीक है, आयरन है, यहाँ पे टिन की कोटिंग कर दी, इसका फायदा उतना टाइम ही रहेगा जब तक ये कोटिंग है, कोटिंग कहीं से ब्रेक हुई तो टिन उसको बचा नहीं सकता। क्यों, क्योंकि टिन की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी आयरन से कम है। मेरा पॉइंट समझ गए मैं क्या बताना चाहती हूँ, टिन की है प्लस 0.14, आयरन की है प्लस 0.44, तो किसकी ज्यादा है, आयरन, आयरन की। तो ये आयरन का ऑब्जेक्ट था, टिन ऊपर है, नो डाउट, कोटिंग सही सलामत है तो वो आयरन को बचा लेगा, बट कहीं से कोटिंग टूटी, आयरन एक्सपोज हुआ तो आयरन पहले ऑक्सीडाइज होगा, जबकि जिंक के केस में ये नहीं है, कोटिंग कहीं से थोड़ी सी ब्रेक भी हुई तो भी आयरन बचा रहेगा क्योंकि साइड्स वाला जिंक पहले ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी रखता है, तो पहले वो ऑक्सीडाइज होगा, यही लिखा हुआ है इसमें। तो इन दिस मेथड द सर्फेस ऑफ आयरन इज कोटेड विद मोर एक्टिव मेटल देन आयरन, ठीक है, द मोर एक्टिव मेटल लूजेज इलेक्ट्रॉन इन प्रेफरेंस टू आयरन एंड दस प्रिवेंट रस्टिंग। जिंक इज कॉमनली यूज, गैल्वेनाइजेशन हुई है, तो टिन के SN टिन होते हैं, टिन प्लेटिंग भी होती है, इट इज इफेक्टिव बट सो लॉन्ग एज द सर्फेस ऑफ आयरन इज फुल्ली कवर, कहीं से गया तो फिर तुम्हारा खराब काम।
इस प्रोटेक्शन को सेक्रिफिशियल प्रोटेक्शन बोलते हैं। लास्ट है कैथोडिक प्रोटेक्शन। अब इसमें बेटा क्या होता है, इसमें बड़ा सीधा सा काम है, जैसे अंडर पाइप्स होती है ना, सीवरेज वगैरह के पाइप्स हैं, उसमें वो ये करते हैं, वहाँ पे तो रस्टिंग के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, वो सारी आयरन की बनी है सपोज, है ना, तो नीचे बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी भी है, सारी कंडीशंस ऐसी होती हैं कि रस्टिंग का चांस बना रहता है। तो वो क्या करते हैं, जो पाइप होती है ना, एक हल्की सी वायर लेके उसको मान लो मैग्नीशियम के बॉक्स के साथ लगा दिया, मैग्नीशियम का यहाँ पे कोई रख दिया एक पीस, ये आयरन था, आयरन की जो पाइप थी दैट इज कनेक्टेड विद मैग्नीशियम पीस, उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि जो कंडीशंस हैं, कंडीशंस निखिलेश बेटा क्या हो रहा है, बार बार क्यों एंट्री कर रहे हो, हाँ इज देयर सम प्रॉब्लम, ओके लेट्स सी। तो मैं क्या बता रही थी आपको कि ये मैग्नीशियम का पीस लगा देते हैं साथ में। हमने अभी एक चीज देखी थी पीछे, तुमको मैकेनिज्म समझाई थी मैंने करोजन की, बेटा एक मिनट इसका कोई दिक्कत आ रही है लगता है, मैं थोड़ा सा सेटिंग कर लूँ। चलो देखो जरा, हाँ कैथोडिक प्रोटेक्शन में क्या है, हमने ऊपर मैकेनिज्म की थी, उसमें पहला स्टेप क्या था कि आयरन ऑक्सीडाइज होने लग गया, बट हम चाहते नहीं कि हमारी पाइप खराब हो, तो हमने उसको मैग्नीशियम के मेटल के साथ वायर लगा के लगाया हुआ है। मैग्नीशियम का पीस क्या करेगा, मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होती है आयरन के कंपैरेटिवली, तो आयरन को बचा लेते और वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाता, समझ रहे हो बात। देखो यही लिखा है, आयरन ऑब्जेक्ट टू बी प्रोटेक्टेड इज कनेक्टेड टू मोर एक्टिव मेटल थ्रू वायर, प्रिंसिपल तो एक तरीके का वही है, द प्रोटेक्टिंग मेटल एनोड एक्ट करता है, और प्रोटेक्टिंग मेटल कौन है यहाँ पे, कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, मैग्नीशियम प्रोटेक्ट कर रहा है ना, तो वो ओके। तो हम क्या बात कर रहे थे, ये नोट काम करने लग गया क्योंकि हमने उसको जानबूझ के ये चीज़ प्रोवाइड कराई है ताकि हमारा जो पाइप है आयरन का बना हुआ उसका ऑक्सीडेशन ना हो। इफ़ अ बरिड स्टील पाइप उसमें आयरन काफ़ी रहता ही है इज कनेक्टेड विद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम विल एक्ट एज अ नोड एंड द स्टील पाइप विल बी प्रोटेक्टेड। समझ में आ गए चारों मेथड्स, यस, बैरियर प्रोटेक्शन, सॉल्यूशन, एंटी रस्ट सॉल्यूशन, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन एंड योर कैथोडिक प्रोटेक्शन। तो ये एनोड बन जाता, अब हमने इसको एनोड नहीं बनने दिया, रादर ये कैथोड बन जाएगा क्योंकि मैग्नीशियम इसके कंपैरेटिवली एनोड है। ठीक है, इसी के साथ तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर फिनिश होता है। तो अभी मैं थोड़ा सा जस्ट स्टार्ट कराऊंगी, आपको आइडिया भर दूंगी आज मैं अगले चैप्टर का, फिर कल से आप मेन उसको स्टार्ट कर देंगे। अपना तैयार कर लेना बेटा, अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है चैप्टर ये तुम्हारा। अब जो चैप्टर हम शुरू करने वाले हैं ना, चैप्टर नंबर 4 था, तुमको बताया ही था पहले दिन ही मैंने, फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में पहले 5 चैप्टर्स हैं, एक्चुअल में देखा जाए तो पहले 4 ही है मेन, तो पांचवा तो नाम का है, वो चैप्टर का नाम है सरफेस केमिस्ट्री, वो सारा रट्टे वाला चैप्टर है बेसिकली। ठीक है, बहुत काट है अभी, उधर समझना पड़ेगा, मेनली उसमें याद करने वाला है, तो मैं उसके आपके मेरे टाइप्ड नोट्स भी हैं सरफेस केमिस्ट्री के, वही मैं आपके साथ वो उससे पढ़ाऊंगी। मेनली जो न्यूमेरिकल वाले चैप्टर हैं वो पहले 4, ये आपने अच्छे से कर लिए ना तो आपका फिजिकल केमिस्ट्री प्लस 2 का अच्छा तैयार हो जाता है। उसके बाद आपका 6th से 9th इनऑर्गेनिक है, फिर उसके बाद आपका 10th ऑनवर्ड्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ठीक है, तो अच्छी स्पीड से हम जा रहे हैं, आप लोग करते जाओ बस साथ साथ, काफ़ी बड़े चैप्टर होते हैं ये पहले 4, एक बार ये ख़त्म हो जाए ना फिर सिलेबस को एक अच्छा पुश मिल जाता है। सो योर 4th चैप्टर इज केमिकल काइनेटिक्स। अब ये केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, इसमें क्या पढ़ना है आपने, कोई भी बेटा रिएक्शन होता है जब, जैसे मान लो फूड स्पॉयलेज है,
कई बार होता है ना, हम देखते हैं हमने कोई चीज बनाई, मम्मा ने वो खराब हो गई, फेंक देते हैं फिर, है ना, फूड स्पॉइल ले जाए, तो उसमें हुआ क्या? कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन ही हुआ है ना। केमिकल रिएक्शन हुआ है कोई ना कोई, ठीक है। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट जो होते हैं वो प्रोडक्ट में बदल जाते हैं, वो चेंज होता है कुछ, कोई नई चीजें बनती हैं, पुरानी चीजें के बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं, इसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। जो भी बेटा एक रिएक्शन होता है ना, केमिकल रिएक्शन, उसमें हम तीन चीजें मेनली पढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ते हैं? एक तो हम उस रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी पढ़ते हैं। डू यू अंडरस्टैंड स्पॉन्टेनिटी? कि वो रिएक्शन फिजिबल है या नहीं अंडर द गिवन कंडीशन, कि इतना जी टेम्परेचर है, इतना रूम टेम्परेचर है, इतनी ये कंडीशन है, क्या ये रिएक्शन हो पाएगा? और दूसरा हमारा हम पढ़ते हैं एक्सटेंट, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन मेनली रिवर्सिबल रिएक्शंस में पढ़ा जाता है। क्या होते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन बताइए? पूरा इक्विलिब्रियम पढ़ के आयो, जो दोनों साइड जा सकते हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, इनमें हम एक्सटेंट पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें इक्विलिब्रियम आने का चांस रहता है। तो इनमें हम देख लेते हैं कि इक्विलिब्रियम आने से पहले रिएक्शन कितना को हो गया। हमने मान लो 100 रिएक्टेंट लिए थे, वो कितना प्रोडक्ट में बदल गया। तीसरा हम पढ़ते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ये तीन चीजें हमारे इंटरेस्ट की होती हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दोबारा देखो, स्पॉन्टेनिटी ये तुम्हें बताती है गिव्स फ्री एनर्जी। ये कहाँ पढ़ी थी प्लस वन में बताना, कौन से चैप्टर में पढ़ी थी? ये थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ी। किसी रिएक्शन की डेल्टा जी नेगेटिव आएगी तो वो रिएक्शन फिजिबल है, हो सकता है, ठीक है। मैं क्या बता रही हूँ आपको, मैं ये बता रही हूँ कि कोई रिएक्शन हो रहा है, फूड खराब हो गया, उससे क्या रिएक्शन हुआ ना, अंडर द गिवन कंडीशन रिएक्शन हुआ, तो वो रिएक्शन फिजिबल था। उस रिएक्शन को हम पढ़ें तो वो रिएक्शन की डेल्टा जी हम पैरामीटर लगा के कैलकुलेशन करके निकालें तो नेगेटिव आएगी। डेल्टा जी होती है बेटा चेंज इन गिब्स एनर्जी। डेल्टा जी नेगेटिव होती है ना किसी रिएक्शन की, खाली इतना याद रखो, तो वो रिएक्शन अपने आप हो जाता है। एक्सटेंट का मतलब क्या, कितना का रिएक्शन हुआ। यहाँ पे तो स्यापा पड़ गया, पूरा रिएक्शन हो गया, पूरा हमारा खाना खराब हो गया। एक्सटेंट मतलब कितना को हुआ है। हो सकता है रिएक्शन थोड़ा ही होता, वो बैकवर्ड जाने लग जाता। मान लो ये बैकवर्ड जाता, फिर क्या होता, फूड खराब हुआ, फिर वापस नॉर्मल फूड में आ गया, ऐसा तो नहीं है। तो इस रिएक्शन में तो कोई चांस ही नहीं है, फूड खराब हो गया तो रिएक्शन पूरा हो गया। रेट, रेट का क्या मतलब है, स्पीड, किस स्पीड पे रिएक्शन हुआ। तुमने देखा होगा कई चीजें हम घर में बनाते हैं, जैसे पिकल्स होते हैं, है ना, उनमें हम प्रिजर्वेटिव वगैरह डाल के रखते हैं तो वो खराब नहीं होते हैं। और कोई चीज़ ऐसे ही हमने बना के रखी गर्मियों के दिन में, जैसे कई बार आटा ही वो खराब हो जाता है, सुबह गूंदा शाम तक खराब हो जाता है, उसमें स्मेल आने लगती है। रेट, स्पीड, किस स्पीड से रिएक्शन हुआ। जैसे हम ड्राइव करते हैं, स्पीड होती है ना, उसमें भी वही है स्पीड। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, स्पॉन्टिनिटी और एक्सटेंट, ये हम पढ़ के आ चुके हैं प्लस वन में, ये थर्मो में, ये इक्विलिब्रियम में। इस चैप्टर में हमारा सारा इंटरेस्ट रहेगा रेट, रेट के ऊपर। और रेट इम्पॉर्टेंट क्यों है तुम सोचो, रेट ऑफ रिएक्शन को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कोई इंडस्ट्री लगाई है, जैसे हेबर प्रोसेस है, हम अमोनिया बनाना चाहते हैं, ठीक है, अमोनिया किस रेट से बन रहा है, ये हमारे बड़े इंटरेस्ट की बात है कि अमोनिया बनने का रेट कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, या वो किस स्पीड पे बनता है, ताकि हम उसकी स्पीड को बढ़ा सकें या कम कर सकें डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। फूड किस स्पीड से खराब हो रहा है, तो रेट को पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। वही हमने इस चैप्टर में पढ़ना है, केमिकल काइनेटिक्स। काइनेटिक्स जो वर्ड है ना, वो काइनेसिस एक वर्ड होता है, ग्रीक वर्ड, जिसका मीनिंग होता है मूवमेंट, वहां से ये वर्ड आया केमिकल काइनेटिक्स। तो नेट शेल में ये बात है कि केमिकल काइनेटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ योर केमिस्ट्री विच डील्स विद योर रेट ऑफ रिएक्शंस एंड
फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट. व्हाई फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट? फैक्टर्स इफेक्टिंग रेट मतलब ये फैक्टर चेंज किया तो रेट बदल गया, ये फैक्टर चेंज किया तो रेट बदल गया, ठीक है. और मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन. निखिलेश मैं बताती हूँ, थोड़ा सा अभी बता रही हूँ, मैं रिपीट भी कर दूंगी. तेरा आज नेट इशू लग रहा है मुझे, है ना, बार बार रिज्वाइन करना पड़ रहा है. कोई बात नहीं जी. बार कट गया. हाँ नहीं मैं देख रही थी, थोड़ा हो जाता है कई बार, नो प्रॉब्लम. मैंने बेटा इतना ही बताया, ये फोर्थ चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है. इसमें हमने क्या पढ़ना है मैं वो समझा रही हूँ. इसमें हमने पढ़ना है कि कोई रिएक्शन होता है ना, जब केमिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिकल रिएक्शंस तो होंगे ही होंगे. कोई रिएक्शन होता है तो उसकी स्पीड कितनी है रिएक्शन होने की, वो रिएक्शन कितनी स्पीड से हो रहा है, उसको रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं. और वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं. फैक्टर जैसे मान लो ऐसा हो सकता है कि हम टेम्परेचर कम कर दें तो रिएक्शन धीरे हो रहा है, मान लो टेम्परेचर बढ़ा दें तो रिएक्शन होने का रेट बढ़ गया, या किसी चीज़ की कंसंट्रेशन कम कर दें तो रेट स्लो था, कंसंट्रेशन बढ़ा दें तो रेट बढ़ गया. कैटलिस्ट ऐड करके, हाँ कैटलिस्ट ऐड कर, कैटलिस्ट से एक्चुअली कोई और इफेक्ट पड़ता है, वो मैं बताऊंगी. और मैकेनिज्म हमने पढ़ना है. मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है थोड़ा बताती हूँ. जैसे तुमको यह दिखता है कि ए रिएक्टेंट था बी प्रोडक्ट था, बट एक्चुअल में ये बहुत सारे इंटरमीडिएट्स के थ्रू रिएक्शंस होते हैं, डायरेक्ट नहीं भी होते कई बार. पहले ए से सी बनता है, इनको हम इंटरमीडिएट बोलते हैं, फिर प्रोडक्ट बनता है. तो इन तीन चीज़ों के साथ ये चैप्टर डील करेगा, ठीक है. और मैं जर्नल अभी ये बात बताई थी कि कोई भी रिएक्शन में हम तीन चीज़ों पे हमारा मेन इंटरेस्ट होता है, कि वो रिएक्शन पॉसिबल है, फिजिबल है. दैट वी स्टडीड इन थर्मोकेमिस्ट्री लास्ट ईयर. इफ़ द डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन नेगेटिव आएगा तो वो रिएक्शन पॉसिबल होता है. और रिएक्शन कितना हुआ है वो हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बताती है. इन दोनों के साथ हम ऑलरेडी डील करके आ चुके हैं, अब हम इसके साथ डील करेंगे. ये चैप्टर में हमने पढ़ना है, ठीक है. जस्ट टू मिनट मोर इन्फॉर्मेशन. जो बेटा रिएक्शंस होते हैं ना, रिएक्शंस को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर रेट. एक तो होते हैं वेरी फास्ट रिएक्शंस, एक होते हैं वेरी स्लो रिएक्शंस, एक होते हैं मॉडरेट स्पीड वाले, मॉडरेट रेट, ठीक है. वेरी फास्ट रिएक्शन में जैसे आयनिक रिएक्शंस आ जाते हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो जाते हैं आयनिक रिएक्शन. जैसे तुम एक रिएक्शन पढ़ा होगा, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड, इन दोनों को मिक्स करो, लैब में भी कराया होगा, तो AgCl के PPT बनते हैं. किया है ये, पता है ये आयनिक रिएक्शन है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो जाता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी ज़्यादा है, जैसे 10^-10 सेकेंड ऐसे टाइम में हो जाता है. वेरी स्लो जैसे रस्टिंग है, है ना, इन रिएक्शंस को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. मॉडरेट रिएक्शंस क्या हैं, जो इन दोनों के बीच में मतलब मीडियम सी स्पीड से हो जाते हैं, वो रिएक्शन जैसे हाइड्रोलिसिस. ये अभी नहीं समझ में आएंगे मैंने क्या लिखा है, आगे चल के आपको आएंगे. हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, ये कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जो मॉडरेट स्पीड पे होते हैं, ठीक है. तो रिएक्शंस की ये क्लासिफिकेशन है, सिंपल है. बहुत ज़्यादा स्पीड में जो रिएक्शन हो जाते हैं वो आयनिक है, बहुत ज़्यादा स्लो जिनको बहुत ईयर्स मंथ्स लगते हैं, और जो मीडियम स्पीड पे हो जाते हैं वो मॉडरेट स्पीड वाले रिएक्शंस बुलाते हैं, ठीक है बेटा. फिर बाकी इस चैप्टर को कल हम मेन स्टार्ट करेंगे, तो प्रिपेयर करना चैप्टर अपना, इलेक्ट्रो टेस्ट देना अच्छा सा, इस बार बढ़िया से नंबर लेके आना. ओके बेटा, बाय बाय, गुड नाइट.